लद्दाख ओवरलैंड ओडिसी। एक ड्रीम देखा था मैंने ओवरलैंडिंग का और बहुत जल्द ही उसको रियलिटी में बदल दिया। हाँ, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ ज़बरदस्त हुआ। तो आप सब अभी तक की कहानी तो जानते ही होंगे। तो आओ इस जर्नी के लास्ट फेज की स्टोरी देखते हैं, क्योंकि एडवेंचर रुकना नहीं चाहिए। A very good morning to everyone. Welcome to the channel. This is Ranveer Pratap Singh. And this is Gobal Singh Seera. And welcome from Neoma. Neoma, main naam bhul gayi thi. This is the basically main city of the Changthang region. Yahan se log jaate hain Hanle. And humne kal raat ko yahan par piche jo aap dekh rahe hain ek homestay liya. अच्छा होमस्टे था, हमें आंटी ने थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दिया था और खाने के साथ दे दिया था और खाना भी अच्छा बनाया था, तो हमें तो अच्छा लगा। क्योंकि चुमाथांग के बाद का जो रीजन है, जो ये हानले तक जाता है, यहाँ पर इंडिविजुअल रेट चलते हैं, यहाँ पे रूम का रेट नहीं चलता है, यहाँ पर हेड लगेगा। कई लोग आपको 1000 में देंगे, कई लोग 1200 में देंगे। तो आंटी ने हमारे को 800 रुपये में दे दिया, तो 800 + 800 1600 रुपये में हमारे को बढ़िया मिल गया नाइट रात को स्टे करने के लिए। अब आप पूछोगे आपने ओवरलैंड क्यों नहीं किया। दोस्तों, कल शाम तक हमारी ऐसी हालत थी कि हमारी पुश्तें भी ओवरलैंड नहीं कर सकती थी। नहीं भाई, नहीं, कल हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जर्ट कर लिया था खुद को। नॉट दैट कि वी कुडंट ड्राइव एनी मोर, वी वर एबल टू ड्राइव, बट वी सीरियसली कुडंट हैव कैम्प्ड ओवर हियर एंड प्रिपेयर्ड आवर ओन फूड, क्योंकि रात के 8 बज गए थे, अंधेरा भी हो गया था। क्योंकि पता क्या होता, ओवरलैंड तो आप कर लो, चलो एक बार के लिए आप अपना टेंट खोलो, सो जाओगे, ठीक है। उसके बाद ना खाना बनाना होता है, वो भी कुछ नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी किल्लत आती है बर्तन धोने में। एक तो ठंड हो रही होती है रात को, और फिर बर्तन धोने होते हैं, फिर सारा पैक करो, फिर सो, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। इसलिए कल के लिए हमने वो एस्केप कर दिया, क्योंकि आप तो सिर्फ गुड पार्ट देखते हो व्लॉग में, और आपको क्या पता कि हम बाद में क्या क्या क्लीन करते हैं, पैक करते हैं, फिर वापस ये करते हैं, फिर वो ब्यूटीफुल से बन के व्लॉग भी करते हैं। सुबह सुबह कंप्लेंट होगी, पर कोई बात नहीं, मैं बात बोलना चाह रही थी। क्योंकि हमने कल गाइस मार्सिमिकला भी कवर किया, फिर हमने काकसांगला किया, थतोला किया, दो हिडन लेक्स करी, तो कल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही टीडियस हो गया था। तो चलो आज थोड़ा अच्छा डे है, आज हमारा सारा देखा हुआ रूट है, आज कोई भी सरप्राइजेज नहीं होंगे। आज यहाँ पर हम नियोमा में है, यहाँ से जो हमारा पांग पड़ता है वो है 140 किलोमीटर, वहाँ से 70-80 किलोमीटर आगे सरचू है, वहाँ से 70-80 किलोमीटर आगे पड़ता है तांडी एंड सिसु। तो हमने आज सोच रखा है, पता नहीं हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, कि हम सिसु चलते हैं। तो देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं और गाइज हम निकल चुके हैं नियोमा से। पहले जो हमने अपने लिए डिस्टेंस सेट किया था वो था सिसु, लेकिन क्योंकि अब हम 10 बजे निकल रहे हैं तो हमने अपना डिस्टेंस थोड़ा कम सेट किया है, वो है सरचू। तो आज का हमारा जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर, विच इज अलॉट इन द माउंटेन्स, नॉट फॉर स्ट्रे आर्टिस्ट, बट इट्स अलॉट इन द माउंटेन्स। ये एरोगेंट होकर नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि हम दोनों पागल हैं, हम लंबे लंबे डिस्टेंस खींच लेते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस मैटर करता है यार, कुछ तो हम भी थोड़ा बोस्ट कर सकते हैं ना यार, कभी भी ना करें क्या, बताओ। एक्सपीरियंस बंदे हैं, हमेशा अच्छा थोड़ी ना बनना होता है, बोस्ट भी करते हैं हम। ओके, तो हम अपने व्हाट्सएप पे करते हैं कि वो हमारा एंड हमारी कार का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। तो फिर घूम कर आते हैं। एक बात मैं बोलना चाह रही थी वैसे, कि कुप्पू एंड शुब्बू इतना ट्रैवल करते हैं, जैसे ये वाले एरिया आ जाता है ना, जो नियोमा, जो जिसमें नेटवर्क आता है, अब हम लगता है कि अब यार बचा ही क्या है, अब तो ये ले सरचू आ गया, अब ये ले ये आ गया, अब ये ले वो आ गया, क्योंकि यहाँ से भी 1000 किलोमीटर का भी फर्क है, जबकि इसमें भी 3 या 4 दिन होते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है हो गया अब तो, ट्रिप हो गया। तो दोस्तों हम हैं थोड़े पागल, अब हमारे साथ इस पागलपन की जर्नी में बने रहिए। चांगथांग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल रीजंस ऑफ लद्दाख। You can actually see more colors in the landscape compared to other parts of Ladakh. Unfortunately, इस region की development सबसे late हुई Ladakh में। यही सब कुछ देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, एक lonely और lesser known pass की तरफ।
रहा मोरेरी का रास्ता। हमने इस साल मोरेरी जाना था लेकिन किसी और रास्ते से घूम के, तो इस बार हम मोरेरी इस रास्ते से नहीं करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम, सम अदर टाइम, बेटर टाइम। आगे चलते हैं, फॉलो कॉन्क गला, हियर वी गो। हम शांत हो गए थे। इन लेसर नोन प्लेसेस में कोई होता नहीं है, तो आप इन जगहों की तरह एम्प्टी होने लगते हो थॉट्स से। गाइज आप वो रोड देख रहे हो, वो सारी, मैं जितनी बार भी इस रास्ते से आया, ये पोलो गोंकला पास की तरफ जाता है, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट पासेस, बट आई वुड लाइक टू से कि दिस पास हैज सकम्ब टू सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे टारमैक बन चुका है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है बहुत अच्छी, एंड आई एम ग्लैड कि मैं दो बार इस पास को इसके एक्चुअल रॉ फॉर्म में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और ये पूरा स्ट्रेच बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब इधर से पूरी पत्थर पत्थर में, मतलब स्कॉर्पियो वगैरह भी यहाँ पे फंस जाती थी, ये ऐसी जगह है, बट अब ये पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो गया। एंड कोमल एंड रणधीर केम हियर बिफोर, इट वाज नॉट पुलक ओंकगाला, इट वाज पुलक ओंकगाला, वी केम हियर दैट टाइम। ये आप सामने तो देख रहे हो, बट गाइज लेट मी शो यू समथिंग। पीछे इतना ज्यादा बड़ा तूफान सा आ रहा है और इतने सारे बादल हो रहे हैं कि एकदम ठंड हमें यहाँ तक फील हो रही है, पर हम भागते हैं अपने रास्ते पे। रीचिंग दिस मैग्निफिसेंट पास वाज अ ब्लिस दिस टाइम। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ टास्क एंड यूड गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बट दिस टाइम इट फेल्ट लाइक अ न्यू प्लेस ऑल टुगेदर। This used to be my favorite pass. Now look at it. पूरा ब्लैक टॉप हो गया। मतलब मेरे को कोमल को इतना कॉन्फिडेंस था कि यार पोलो गोंकला की साइड तो इतनी रोड खराब है कि वहाँ तो किसी कीमत पर भी रोड नहीं बनेगी, बट ऑल थैंक्स टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लद्दाख में ऑफ रोड नहीं बचा है। एक ऑफ रोड का स्ट्रेच बचा था जिसको मैं कवर करने के लिए स्पेशली आया था, एंड वहाँ पर मुझे जाने से मना कर दिया गया। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एनी वन हु लव्स ऑफ रोड और जो लद्दाख इसीलिए आते थे, देर इज़ नो ऑफ रोड लेफ्ट। मैं पूरा इस बार भी रिमोट एरिया एक्सप्लोर करके कहीं पर भी ऑफ रोड नहीं बचा। वो तो ठीक है, जैकेट पहन ले, बहुत तेज हवा चल रही है। Yes, अच्छा तू कुछ कह रहा था ऑफ रोड के बारे में, मिल गया? मिल गया। मजे आ गए भाई, आ जा जल्दी। मुरे प्लेन्स, ऑल्सो नोन एज क्यांचू थांग बाय द लोकल्स। इस वास्ट ओपन फील्ड को देखकर आपका मन लिटरली करेगा कि मैं भागूं। लेकिन आप क्यांग थोड़ी हो, क्यांग वो घोड़े जैसे दिखने वाले जानवर जो आप देखते हो ना लद्दाख में, वो होते हैं। बहुत बहुत वास्ट एरिया है ये, और इसको पहली बार जो देखता है वो फीलिंग दिमाग में फिक्स हो जाती है।
ये पांग आ गया और ये मेरा फेवरेट ले मनाली हाईवे का मेरा ये फेवरेट स्पॉट है और मैं जब भी आगे आऊंगी तो मैं यहाँ पे दोबारा रुकना चाहूंगी, लेकिन आज हम शाम को नहीं आ रहे यहाँ पे और हमारे पास अभी दिन काफी बचा है तो हम आगे सरचू में रुकेंगे। मतलब ये ले मनाली हाईवे का बेस्ट पार्ट है, बेस्टेस्ट। इधर की वाइब सिर्फ यहाँ पर आगे पता लगती है। रात को रुकना हो तो पांग इज रेकमेंडेड। मौसम बिगड़ रहा था, तूफान आने वाला था और नसीब कुछ ऐसा हमारा कि अब हमें लाचुंगला, नकीला और खटा लूप्स को क्रॉस करना था जहां रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो रखी थी। मगर हम दो खाना बदोश कहां रुकने वाले थे तूफान से डरकर। वी वेंट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। गाइज अब हम मेरे कहने पे एक शॉर्टकट ले रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये शॉर्टकट कोई ले नहीं रहा है, ये शॉर्टकट हमारे सामने से एक और ट्रक भी ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं और हमारे तो भाई थार है ना इस करके। फिर चलो और ट्रक को देखे देखे ब्रीजा वाला भी उसके पीछे ले गया। बताओ या ऑफ रोड। साधा भी कोई ट्रक तो काट दिया। गाइस मैंने हिल डिसेंट स्टार्ट कर दिया और मैं अब गाड़ी में सच में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी कार ही कर रही है। पागल स्टीयरिंग व्हील पे कुछ कर। स्टीयरिंग व्हील तो चला। यूं ना करे, यूं ना करे। निकल गई। जब फंस जाती तो नहीं कहना फिर। मेरे पास 4x4 भी है। मोमेंटम भी कुछ चीज होती है गाड़ी की। अपनी जबान का मोमेंटम संभाल लो, अभी बिगाड़ दूंगा। मुझे तो मजा आ गया, मैं काफी देर से ना ओ भाई खुद ही रुक गई गाड़ी भाई।
शाम होने लगी थी और हम हिमाचल लद्दाख के बॉर्डर पर पहुंच रहे थे। यहां तक आते आते थकान काफी बढ़ गई थी हमारी और सरचू से अच्छा रेस्टिंग प्लेस कहीं हो ही नहीं सकता। गाइज ये रही हमारी एटम। हम बैठे हैं अब सरचू में, जैसे कि हमने आपने हमारे ड्रोन शॉट से देखा होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी एटम, इसका पार्किंग स्पेस है। अब हम यहीं पे पार्क करेंगे और इसको खोलेंगे अपने टेंट को। खाना जो है वो हमारी दीदी बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, खाना हम उनसे खाएंगे। हम आ तो वैसे शाम को ही गए थे, मतलब हम 5-6 बजे तक आ गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे कि पांग, सरचू, ये दो प्लेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनका एटमॉस्फेयर भी बहुत अलग सा होता है। यहाँ पे सब बैठे होते हैं, बातचीत हो जाती है, गप्पे शप्पे, चाय शाय सब कुछ चलता रहता है, इसलिए हमें लेट हो गया। तो अब हम बता रहे हैं कि ये हमारा पार्किंग स्पॉट है, मुझे बोलना नहीं जा रहा है क्योंकि हवा तेज है और ठंड लग रही है। आज की ड्राइव भी एक नंबर थी एंड लाचुंगला के पास थोड़ा सा वेदर बारिश वाला हो गया था एंड वहाँ पे मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि अगर ऐसी बारिश आगे होती रही तो नकीला के उधर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एंड घटा लूप्स के पास तो डेफिनेटली दिक्कत होती है क्योंकि घटा लूप्स की रोड कंडीशन अब थोड़ी सी डिटेरियरेट हो चुकी है। तो उस टाइम पे थोड़ी सी टेंशन थी हमारे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ लाचुंगला के पास ही उसी के पास ही दिक्कत थी, वहाँ पे बारिश उसके बाद बंद ही हो गई थी बिल्कुल। तो फिर हम अब सरचू आ गए, हमने अच्छे से सेटअप ले लिया। हमारा है ली मेरिडियन, ली मेरिडियन है सीधा जो इनके ओनर है, बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे को आती चैंकी सा ऑमलेट खिलाया, बहुत जबरदस्त ऑमलेट और चाय भी बहुत अच्छी थी। कहने को सरचू और पांग कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कहने को ये इतना कुछ है क्योंकि मेरा तो यहाँ पे दिल लग गया है। अब जब कहने को ये सब कुछ है जो सड़क के राही होते हैं और खानदोश लोग होते हैं, उनसे पूछो, उनके लिए पांग और सरचू जन्नत है। ऐसे ऐसे रुकना चाहती हूँ मैं, ऐसे आता कम्युनिटी में, ऐसा लगता है कि कम्युनिटी में चल रहे हैं हम। हमने जब आइटनरी भी बना रहे थे ना, हम आइटनरी बनाते हुए ना एक टारगेट लेके चलते हैं कि ना जब पांग तो रुक जाए, सरचू तो रुक जाए। आइटनरी भी जब हम बनाते हैं तब भी हम ये कोशिश रखते हैं कि पांग और सरचू में एक स्टॉप तो बनता है, अगर होगा तो हमारे को यहाँ तो रुकना ही है। बाकी ना हमारे फ्रेंड्स बन गए, वो मैं ना बुला रहे हैं यहाँ से इशारे कर रहे, तो हम जाते हैं। ओके बाय। राजमा चावल और प्याज एट सरचू एट ले मेरिडियन। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हेलो फ्रॉम द कोल्ड सरचू। गर्मियों में इतना नहीं मन करता है यार। आज का दिन है हमारा टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हम खड़े ही हैं। आज हम देखते हैं, आज हमें सिसु का वाटरफॉल एक्सप्लोर करने का मन है, अगर वो करा तो बढ़िया, नहीं करा तो भी बढ़िया, क्या चला जाएगा हमारा, हम ये पार्टी काट देंगे आपके वीडियो से, आपको पता ही लगेगा। पावर इज इन माय हैंड गाइस। ये है होटल ली मेरिडियन, ये आपका जो चेक पोस्ट है सरचू का, उसके जस्ट 1-2-3 बाद ये होटल आ जाता है एंड आई वुड रेकमेंड दिस होटल विद एवरी इंच ऑफ माय सेल्फ, क्योंकि द लेडी ओवर देयर शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी हंबल। पहले यहाँ पे चेक करना फुल हुआ तभी यहाँ से कहीं और जाना, वरना यही रुकना बस। होटल ली मेरिडियन, ये खड़ी आइटम और इस शेड से ऊंचा उसका हमारा मकान है, हम वहाँ 7वें आसमान पे सो रहे थे।
चीज ही मनी नथिंग फॉर अ थार आई एम Road to Baralachala in summers is comparatively easy than the earlier months like May because there is no snow, just raw beauty at its peak. Vast meadows, pristine lakes will fill your heart with content. लाहौल पहुंचते ही मौसम जो तूफान की तरह हमें रोक रहा था कुछ ऐसा दिखने लगा मानो हमारा ही इंतजार कर रहा था पूरी तैयारी के साथ। हर तरफ इतनी खूबसूरती दिख रही थी जो यूं शब्दों में बताना सही नहीं। बस कुछ यूं ही हम पहुंच गए मनाली अपने लोगों तक एक एडवेंचरस सीरीज पहुंचाकर, अपनी लिमिट्स को बढ़ाकर, अपने लिए कुछ नए एक्सपीरियंस लेकर और अपने व्यूअर्स को कुछ नई फीलिंग्स देकर हम पहुंच गए अपने सफ़र के अंत पर।
अब तो घर जाने का टाइम आ गया, पहाड़ों को बाय बाय करने का टाइम आ गया। एक लास्ट ना घुट के जप्पी डाल लेते हैं इसको। आज तो उतर जाएंगे पहाड़ों से, आज तो सीधा घर। मन नहीं कर रहा मेरा इस बार ना जाने का वापस, अभी जल्दी ना, ऐसा लग रहा बहुत कम टाइम दिया मैंने ना। बहुत कम टाइम था एंजॉय करने को, पर सीरीज बनाने का पूरा टाइम था। मनाली का वेदर इतना खूबसूरत हो रहा था, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। जाना तो पड़ेगा। क्यों फिर, बढ़िया सीरीज बन गई ना। ये हमारा लास्ट डे है, आज हम उतर जाएंगे नीचे और अपने घर पहुंच जाएंगे सेफली एंड साउंडली। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हम सेफली इतनी एडवेंचरस जगहों, देखो मेरा गला भर गया बोलते हुए, कि इतनी एडवेंचरस जगहों को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। एंड एक तरीके से अगर हम बोस्ट करना चाहते हैं, हम कितना बोस्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ हो जाते हैं, बट ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो हमारे को ऐसी एक्सट्रीम इलाकों में जाकर सेफली वापस आने का मौका देता है और फिर दोबारा जाने की हिम्मत भी देता है। वही वही तो मेरा मतलब है बोंदू। इस सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं, हमारी लद्दाख की ओडिसी का आज फाइनल डे है। तो चलो फिर, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और एडवेंचरस रोड ट्रिप्स देखने को मिले। और वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं ज्यादा, एक लाइक का टिंग करके बटन दबता है, दबा दिया करो। हेलो गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।